हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें लेट अस सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस फर्स्ट सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को खोजें एंड देन ऑल ऑवर नीड्स फॉर अदर एक्टिविटीज एंड आवर रिस्पांस फुलफिलिंग फुलफिलिंग ऑफ आवर रिस्पांसिबिलिटीज विल बी गिवन टू अस और उसके बाद हमारे जितने भी जरूरत है और कार्य है आज के दिन के लिए वो सब पूरे हो जाएंगे टुडे वी बिगिन अ थ्री सीरीज मेडिटेशन और आज हम ऐसे मनन को करने जा रहे हैं जिसके तीन भाग होंगे दैट विल कवर द ऑन थ्री डेज थ्रू दिस वीक। और इस हफ्ते के तीन दिन में हम इसको पूरा करेंगे and the passage is taken from फर्स्ट Corinthians chapter 15 verses 22 and 23 और इसके लिए जो भाग हमने लिया है वो पहला कॉन्थियो उसका पंद्रह अध्याय उसका बाईस और तेईस पद एंड द टाइटल ऑफ दिस मेडिटेशन इज क्राइस्ट द फर्स्ट फ्रूट और इस मनन का जो शीर्षक है वो ये है कि मसी जो पहला फल है The text says, for as in in Adam all all die, so in Christ all will be made alive. पद में लिखा है और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे बट each इन ही सोन टर्न परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से क्राइस्ट द फर्स्ट fruits, पहला फल मसी बिलोंग टू हिम फिर मसीह के आने पर उसके लोग we also read the background to this. The reference to this passage is Leviticus chapter ट्वेंटी थ्री verse टेन और इसके लिए जो पृष्ठभूमि हम देखते हैं वो uh, लेव व्यवस्था उसका लेविटिकस तेईस अध्याय दसवां पद वी रीड there. द लोड सेट टू मोशस स्पीक टू द इसरा लाइट्स एंड से टू और यहाँ पर प्रभु जो है मूसा से कहता है कि इसराइल इसराइली लोगों को इस बात को बोलो वेन यू एंटर द लैंड आई एम गोइंग टू गिव यू एंड यू रीप इट्स हार्वेस्ट ब्रिंग टू द प्रीस्ट अफ ऑफ द फर्स्ट ग्रे इन यू हार्वेस्ट इसराइलियों से यह कहो कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का, का पुलायाजक के पास ले आया करना क्राइस्टिस मसीह जी उठा है एंड दिस इज अ ग्रेट फैक्ट व्हिच द ऑन व्हिच द चर्च स्टैंड्स और ये एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है जिसके ऊपर आज का कलीसिया खड़ा है एंड द फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 इज द ग्रेटेस्ट चैप्टर ऑन द रेसरेक्शन ऑफ आवर बॉडीज और पहला कोरिंथियोस उसका 15 अध्याय जो है वो एक बहुत बड़ा वो अध्ययन है जो कि हमारे देह का जो पुनरुत्थान है एंड इज रेफरिंग टू से इसमें यहाँ पर लिखा है उन बातों को उन आज्ञाओं को जो प्रभु ने दिया है इसराइली लोगों को करने के लिए उनको पालन करना है फर्स्ट फ्रूट और इसको एक उत्सव के तरह मनाया जाता है जो कि पहला फल जो लाना है इसराइली लोगों को ना पॉल इज कंपेयरिंग दिस टू द टू द रेसरेक्शन ऑफ द सेंट्स ऑफ गॉड और पॉलुस जो है यहाँ पर इसका तुलना मसीह लोग के पुनरुत्थान के साथ तुलना करता है। And is comparing Jesus Christ as the first fruit in the series of resurrection or paulus kehta hai ki punrutthan jab hoga to yeshu masi jo hai wo pehla punrutthan hoga jo pehla and without the resurrection of jesus christ uh, there would be no christianity aur yeshu masi ke punrutthan agar nahi hai to fir koi masihat nahi hai the first fruits which were presented to god in the book of uh, leviticus

and so i would like to meditate with you the three days of meditation time this week to, uh, to show you how jesus is the first fruits of a resurrection so isla is a dian me entin bago me ham deking ki, kis Yeshu kisprakar jeshu masi wo apunrotan me pella falhe फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द फर्स्ट फ्रूट वेर ऑफ द सेम नेचर एज द आफ्टर फ्रूट और जो पहला फल हुआ करता था वो उसका जो रूप है और स्वरूप है वो उसी प्रकार था जैसे कि बाद के फल है द नेचर ऑफ द फर्स्ट फ्रूट जो पहला फल का जो स्वभाव है द सेम एज द रेस्टन ऑफ क्राइस्ट और उसी समान जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है इन अदर वर्ड्स पॉल इज सेइंग और दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है क्राइस्ट इज ऑफ द सेम नेचर एज़ हिज पीपल कि मसीह जो है वो उसी ऐसे ही स्वभाव का है जिस प्रकार उसके लोग हैं ही took a real human uh, nature that in him he might sanctify us यीशु मसीह ने एक मनुष्य का रूप अपने ऊपर धारण कर लिया ताकि यीशु मसीह मनुष्यों को शुद्ध करे जस्ट लाइक द हार्वेस्ट टू अटिफाइड द एंटायर हार्वेस्ट टू आर सेंटिफाइड बाई प्रसेंटिंग द फर्स्ट फ्रूट्स टू गॉड और जिस प्रकार पुराने नियम में हम देखते हैं कि फसा जो है किस प्रकार उसको शुद्ध किया गया जब इसराइली लोग वो पहला फल मसीह के पास लाए बुक चैप्टर टू वर्स इलेवन से इब्रानियो उसका दूसरा अध्याय ग्यारहवें पद में लिखा है बोथ द वन हु मेक्स मैन होली और दोनों जो मनुष्यों को पवित्र बनाता है एंड

brothers. और इसलिए वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह इस बात से लज्जाते नहीं हैं, उनको अपने भाई करके पुकारने। He makes us holy. यीशु मसीह हमें पवित्र बनाता है। And uh, so we also possess the same nature as Jesus. So इसलिए हम भी उसी स्वभाव को पाते हैं जो मसी का है। In all things.

Which could rejoice? Jo hota tha, and grieve Or uh, And be amazed aur, uh, ho the, And feel angry aur, gussa bhi karte the. Thus being a man, his res resurrection is the first fruit of the human race. और इस प्रकार मनुष्य बनने के नाते वो uh, मानव जाति के का पहला फल बन गया दैट इज वॉट इट से पास और यही यहां पर इस भाग में लिखा है एंड फ्रॉम द ग्रेव टू इमोर्टैलिटी और फिर उस कब्र से एक अनंत काल के जीवन की ओर दैट इमोर्टल लाइफ और ऐसा एक जीवन जो कभी मरता नहीं है लेकिन अनंत काल का है द जीसस जो यीशु के पास है इज आवर्स हमारे पास भी उपलब्ध है जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं प्रेम से और फिर वो पुनरुत्थान भी पाएंगे इन अदर वर्ड्स ही शेयर्स विथ द रेस्ट ऑफ ह्यूमन रेस

देर फॉर स्ट्रोंगर फ्रूट और जो पहला फल वो उत्तम गुण का था और इसलिए मजबूत था हिस्स रिमा हि रिमाइंडिंग ऑफ द एक्सलेंसीज ऑफ क्राइस्ट ह्यूमन नेचर और पोलूस जो है हमें इस भाग में याद दिलाते हैं कि मसी का जो उत्तमता है उसको समझाते हैं ही इज विधाआउट सीन मसीह बिना पाप के है एंड देर फोर एक्सेल इन परफेक्ट प्योरिटी और इसलिए उस शुद्धता में वो सबसे उत्तम है चीप पैशंस no और येशु मसीह का जो प्राण था उसमें कोई लापरवाही या कमजोरी या पाप नहीं पाया जाता था इस विल वॉज नॉट रिबेलियस प्रभु का इच्छा जो था वो बलवा करने वाला नहीं था अंडरस्टैंडिंग यशु मसीह का समझ जो था वो बंद नहीं था इट वॉज वो कभी भी गलतियों से या गलत कामों से बंद नहीं हुआ था इस बॉडी वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड

येशु मसीह जो था वो सबसे पहला फल था स्वर्ग के लिए नो ही इज नॉट लाइक एनी अदर हां वो कोई और जैसा नहीं है ही इज बियॉन्ड कंपेरिजन और यीशु मसीह बिना वो तो अतुल्य है इन अदर वर्ड्स ही इज अनकंपेरेबल और दूसरे शब्दों में यीशु मसीह को किसी के साथ भी या किसी के बाद भी का तुलना नहीं किया जा सकता नो वन लाइक कोई यीशु के समान नहीं नो वन ओवर और अबाव हिम कोई यीशु से ऊपर नहीं नो वन इज वर्थी टू सिट his side, और कोई योग नहीं है यीशु मसीह के बराबर बैठने के लिए ही स्टैंड अलोन यूनिक इन एवरी वे एज द हेड

As Jesus Christ. So live for for it attain to it to to And enjoy Thus glorify God Heavenly Father Pita, This morning we thank you for speaking to us। सुबह हम धन्यवाद देते हैं आपने हमसे बातें किया है You have told us our privilege, even In the resurrection that is awaiting. As Christ is the first fruit, and He stands at the head of the rest of the human race, which shall commit and surrender their lives. सारे मानव जाति के ऊपर एक सर के समान वो खड़े हैं उन लोगों के लिए जो अपने आप को अधीन करते हैं यशु मसीह के थैंक यू धन्यवाद हेल्प योर पीपुल टू लिव अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल इन ऑर्डर टू अटेन गॉड्स फर्पस प्रभु आपके लोगों की सहायता करे कि आपके इच्छा के अनुसार वो जीने पाए ताकि आपके उद्देश्यों को पूरा करने पाए जीसस नेम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हिम ये एक अच्छा दिन है और इसके लिए जिए